यूपीएससी सिविल सर्विस की एक बात बहुत ही अच्छी होती है, वह यह कि यहाँ पर कॉलेज या स्कूल लाइफ में आप कैसे थे इस बात का यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके परसेंटेज कितने थे, आप टॉपर थे या एवरेज स्टूडेंट थे या फिर बैक बेंचर थे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ केवल एक ही चीज देखी जाती है कि आप अपने वर्तमान में कैसे हो, प्रेजेंट में कैसे हो, कितनी मेहनत करने वाले हो, कितने समझदार हो, किस तरीके से डिसीजन लेते हो, ये सारी चीजों को देखते हुए ही यहाँ पर कहा जाता है कि आप एग्जाम में टॉप रैंक लेकर के आओ। वो भी टॉप रैंक इसलिए लाना होता है ताकि आप मन मुताबिक सर्विस ले सको। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक चीज और देखा जाता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं, और सरकार आपको इसके लिए काबिल समझती है या नहीं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, इसके लिए खूब मेहनत भी करते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट को ये लगता है कि मैं पढ़ने में स्कूल लेवल या कॉलेज में बहुत अच्छा था तो यहाँ पर भी कामयाब हो जाऊंगा या मैं तो हूंगा ही, इस तरीके की बातें चलती हैं या सोच होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जब कोई एवरेज स्टूडेंट भले ही स्कूल और कॉलेज में एवरेज रहा हो लेकिन यूपीएससी सिविल सर्विस में जब टॉप करता है या इतनी अच्छी रैंकिंग लेकर के आता है जो कोई उम्मीद नहीं किया होता है, जब यहाँ पर उसे वो सर्विस मिलती है जो उसे चाहिए होता है और उसके काबिलियत को देखते हुए और उसकी मेहनत को देखते हुए, केवल इतना ही नहीं, मजा तो तब आता है जब यही एवरेज स्टूडेंट कलेक्टर भी बनता है और उसके बाद फील्ड पर ऐसे ऐसे काम करता है जिसे देख करके लोग दंग रह जाते हैं और लोग डिमांड करते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसे ही कलेक्टर होने चाहिए या फिर यही कलेक्टर होने चाहिए। असली टॉपर तो ये होते हैं जो एवरेज से टॉप बने हैं, इसके साथ ही लोगों के दिलों में जगह बनाए हैं। देखो, किताबी कीड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये लगभग हर स्टूडेंट कर लेता है और करता है, और इसे हम होशियारी नहीं कहेंगे या समझदारी नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, जब एक एवरेज स्टूडेंट अपने आप को किताबी तौर पर भी और वास्तविक तौर पर भी जब एवरेज से टॉप में लेकर के आता है, उसके पास बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। वो बेस्ट कलेक्टर भी बनता है, लोगों के दिलों में जगह भी बनाता है, और उसके साथ ही जिसकी सरकार पर रहते हुए वो काम करता है उनके दिलों में भी जगह बनाता है। और जिस कलेक्टर में इस टाइप के गुण पाए जाते हैं, यूँ समझ लो कि वो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के नजरों में बसते हैं। फिर जहाँ भी मुख्यमंत्री को ऐसा लगता है कि इस डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके की सुधार होनी चाहिए, यहाँ पर इस तरीके के कलेक्टर की नियुक्ति होनी चाहिए, तो बस उनके पास ऐसे नामों की लिस्ट होती है जिनमें ऐसे कलेक्टर होते हैं जो एवरेज तो रहे होंगे कभी, लेकिन बाद में जब जनता के दिलों में टॉप करते हैं, अपने काम से अपने आप का अपना नाम बनाते हैं, ऐसे कलेक्टर का नाम मुख्यमंत्री भी याद रखते हैं। इसीलिए आप में से अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैं अपने स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ में एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ या बहुत कमजोर स्टूडेंट रहा हूँ, तो कभी हार मत मानना। मायने ये रखता है कि आप पास हो ना, आपको लिखना पढ़ना आता है ना, लेकिन उसमें मजबूती के साथ अपने मेहनत के साथ बदलाव कर सकते हो। पहले क्या हुआ था ये छोड़ दो, आप आज क्या हो उसमें क्या सुधार कर सकते हो ये देखो। अगर आप उसमें सुधार कर सकते हो, उसमें मेहनत कर सकते हो, उसमें आगे बढ़ सकते हो, तो फिर आप सब कुछ कर सकते हो। और उसके बाद मैं आपको तो बता ही दी हूँ कि अगर आप में जुनून है, मेहनत है और अपने आप को आगे बढ़ाने की चाहत है, तो फिर आप टॉपर भी बन सकते हो और ऐसे ऐसे आईएएस ऑफिसर भी बन सकते हो जो कलेक्टर या फिर एसडीएम या फिर कमिश्नर के रूप में जहाँ भी नियुक्ति हुई हो वहाँ एक से एक बदलाव कर सकते हो। फिर आपके आसपास रह रहे ऐसे लोग जो आपको कहते थे कि एवरेज स्टूडेंट हो, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे अगर तुमने 90% या 98% कॉलेज या स्कूल लाइफ में नहीं लाए हो, तो यही लोग आपके गुणगान करेंगे और अपने घर के बच्चों को एग्जाम्पल देंगे कि बनना है तो ऐसे बनो। वो लोग याद करेंगे कि ये इंसान जो स्कूल लाइफ में और कॉलेज लाइफ में अच्छा नहीं था ना, यही इंसान आज जनता के दिलों में बसता है, यही इंसान मुख्यमंत्री के नजरों में है। इसलिए जो हो गया, जो बीत चुका है, उसे छोड़ दो, उससे केवल सीखो, उसके अलावा उस पर चिंता मत करो। आप अपने आज को सुधारो और फिर देखो कि आप वो बन जाओगे जो आप चाहते हो।